डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी तो सिलेबस में नहीं है। गए 15 मार्क्स। काम करता हूँ, कॉलम बनाता हूँ। ये लाइन नीट दिखने के लिए और ये आंसर पढ़ा दिखने के लिए। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस यूज बाय प्लांट्स। प्लांट्स यूज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लोग दो उंगली के साथ पैराग्राफ बनाते हैं, मैं चार के साथ बना देता हूँ। अगर मैंने वर्डिंग्स के बीच में स्पेसिंग डाला तो कितना बड़ा आंसर हो जाएगा? और अगर लेटर्स के बीच में मैंने स्पेसिंग डाल दिया तो? ऐसे भी इतना कौन पढ़ता होगा? गाना लिख दूं? पॉइंटर्स में लेके एक एक लाइन वेस्ट कर दे भाई। अगर मैंने गंदे हैंडराइटिंग में लिखा तो कुछ समझेगा ही नहीं ना। शिट, दो ही पेज हुए। ये लाइन कट कर देता हूँ। रॉबिस, ये लाइन लिख देता हूँ, इससे आंसर पता लगेगा। डायग्राम बना देता हूँ, 10 लाइन वेस्ट हो जाएंगे। What the fuck is this diagram? Thus, hence proven that therefore this is called photosynthesis. Finally खत्म हुआ। हाँ क्लास, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है फोटोसिंथेसिस वाला, वो गलत है। आप क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है?